हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर वन। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी मजेदार होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि यार, आप सभी लोगों ने अपने पिछले वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हम लोगों ने एक सर्वर पूरे का पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड अब मैं आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू सर्वर में। एंड ये सर्वर जो है इतना ज्यादा लकी होने वाला है, मैंने सोचा नहीं था। तो गाइज, जैसे मैं अपने सर्वर में एंटर किया एंड मैंने एक बॉट को मारा, उससे जो है ना अपने को डायरेक्ट क्या मिला, SMG। मैंने कहा भाई मजा आ गया, मतलब मैं तो सर्वर जो है ना सिर्फ ओनली चेकआउट करने आया था एंड यहाँ पे आते ही जो है ना अपने को SMG मिल गया। पहले बॉट मारा मैंने, उससे मेरे को SMG मिला। दूसरा बॉट मारा, उससे मेरे को डबल बैरल शॉटगन मिला। तीसरा बॉट से जो है ना मेरे को सिंगल बैरल शॉटगन। आज तो जो है ना गाइज, लगता है बॉट अपने के लिए सब चीज लेके आएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वुड वगैरह फार्म करा, फटाफट से जो है ना गाइज, मैं अपने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा 2x2 का बेस बना लेता हूँ। एंड उसके बाद जो है ना अपन लोग निकलेंगे ग्रिड कार्ड सर्च करने के लिए और मास्क वगैरह सर्च करने के लिए। तो फटाफट से हम लोग जो है ना अपना स्टार्टर बेस बनाते हैं। स्टार्टर बेस क्यों बना रहा हूँ गाइज, क्योंकि इससे जो है ना अपने को वर्क बेंच, ड्राफ्टिंग टेबल वगैरह इजिली मिल जाता है। लेट्स गो अभी। ओके, तो फाइनली गाइज, यहाँ पे अपना स्टार्टर बेस तो बन के रेडी हो चुका है। और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मिल चुका है स्लीपिंग बैग, जो कि मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अभी जो है ना अपन लोग अपना TC को प्लेस करते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। जितना भी मेरे पास मेंटेनेंस मटेरियल है वो यहाँ पे डालूंगा। वैसे अभी अपने पास कुछ तो है नहीं, क्योंकि अभी अपन लोग सर्वर में आए थे, बट आते ही जो है ना SMG। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा दिया है। और मुझे फ्यूल चाहिए होगा अपने के लिए फर्नेस बनाने के लिए, तो अभी अपन लोग जाएंगे थोड़ा सा फ्यूल वगैरह फार्म करने के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल अपने ही बगल में, बट क्रूड ऑयल में वो मॉन्स्टर होता है ना, उसको मारना पड़ेगा। तो बट कोई नहीं, तो मैंने यहाँ पे गाइस जो है ना फटाफट से अपने के लिए थोड़ा सा फर्नेस बनाए, नहीं अभी फर्नेस तो नहीं बनाई, वर्कबेंच में यहाँ पे प्लेस करता हूँ। स्टोरेज बॉक्सेस बनाया था, क्योंकि अपने को जो है ना SMG सेव करना था। तो ठीक है गाइस, अपन लोगों ने SMG सेव कर लिया है। अपने के लिए फटाफट से पिस्टल बनाता हूँ। ओके, थोड़ा सा चड्डी एंड बनियान। तो फाइनली गाइस, अपना पिस्टल एंड चड्डी एंड बनियान बन के रेडी हो चुका है। और फाइनली अब जो है ना यहाँ पे हम लोग निकलते थोड़ा सा फ्यूल वगैरह फार्म कर निकले। फ्यूल फार्म करने के लिए तो हमें जाना होगा क्रूड ऑयल में, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, जब तक हम लोग क्रूड ऑयल में पहुंचेंगे, तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। वैसे कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई लाइक एम बढ़ाया करो, बट क्या करें गाइस, जब जब सर्वर ओपन करता हूँ तब तक भाई लोग देखते हैं, जब जब सर्वर में क्लोज करके खेलता हूँ कि मैं थोड़ा सा यार सिक्योर होके खेलूं, तब कोई नहीं आता। बट कोई नहीं गाइस, जिसको देखना होगा देखेगा। एंड यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल में आ चुका हूँ। भाई यहाँ पे मेरे को एक बॉट दिखा था जो कि चपुआ लेके दौड़ता है, सबसे पहले तो उसको मारना पड़ेगा, बट उसको हम लोग बाद में मारेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ना अपने के लिए मास्क वगैरह देखते हैं। मास्क मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता अभी अपने को मास्क मिलेगा, क्योंकि सर्वर स्टार्ट हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं एंड डेफिनेटली मास्क तो गया हो गया उसे। ओके, हाँ गाइस, यहाँ पे मास्क वगैरह तो नहीं है। एंड अभी अपन लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं, जब तक मास्क यहाँ पे स्पॉन होता है तो अपन लोग यहाँ पे स्पेयर वगैरह फार्म करके निकलेंगे बॉम्ब सेल्टर के साइड में, वहां पे देखेंगे, क्या पता वहां पे अपने को मास्क वगैरह मिल जाए। तो फटाफट से गाइस, यहाँ पे मैं अपने के लिए थोड़ा सा स्पेयर वगैरह फार्म करने लगा था, क्योंकि ये मच्छर भी अपने को बॉट को मार के मिला था। तो फटाफट से गाइस, यहाँ पे मैंने अपने के लिए स्पेयर वगैरह फार्म करा। एंड आगे जाते गाइस, यहाँ पे मेरे को एक और बॉट मिला, जिससे जो है ना अपने को काफी अच्छा लूट मिलेगा। देखो भाई, एक ही जगह में कितनी सारी रेसिपीज, भाई गजब है। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, एक बॉट भागते हुए गया, तो मैंने डिसाइड करा चलो यार उस बॉट को मैं फटाफट से मारता हूं। बट गया किधर, वो इधर ही तो था। तो वो यार वो बॉट तो मेरे को यहां पे नहीं मिला, बट मैं स्टोन वगैरह फार्म कर रहा था, क्योंकि अपने को अपना बेस भी अपग्रेड करना था। एंड जैसे ही मैं स्टोन फार्म कर रहा था, तो मुझे लगा कि अपने पीछे से बंदा कोई अपने को मारने के लिए आ रहा है। एंड जैसा मैंने सोचा था वही हुआ,
तो देखो गाइस यहाँ पे ये बंदा पहले अपने को पीछे से मारने का ट्राई कर रहा था, तो मैंने पिस्टल निकाला एंड वो भागने लगा। बट जैसे ही मैं उसके पीछे सामने गया भाई, वुडन क्लब से मारने लगा। मेरे पास मचेट था तो मेरे को लग रहा था कि मैं मार ही दूंगा, बट उसने ऑलरेडी मेरे पे दो मचेट मारा। फिर मैंने अपना पिस्टल निकाला, एक बुलेट लगा, फिर वो काफी ज्यादा दूर भाग गया। निकल बेटे बाहर। अबे किधर गया ये रहा, रुक जा रुक। ओ भाई डंडा फाइट गाइस, वो काफी अच्छा लड़ रहा है। अपनी डंडा फाइट तो काफी ज्यादा बेकार है। अबे लग जा भाई एक डंडा। फाइनली गाइस एक मचेट लगी एंड बंदे की कहानी खत्म। भाई मास्क भी ये बंदा दे दिया लेवल 1 का, अभी लेवल 2 का मास्क चाहिए। अगर वो मास्क मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। सबसे पहले तो इसको मारना पड़ेगा क्योंकि अपने को फर्नेस बनानी है एंड फर्नेस के लिए चाहिए मेरे को काफी ज्यादा फ्यूल। फ्यूल तो अपने को इसको मारने के बाद ही मिलेगा। तो चलो गाइस इसको मारते फटाफट से, वैसे मचेटते तो काफी जल्दी मर जाएगा। तो ओके गाइस ये भी थोड़ा सा स्पीयर वगैरह दिया। अभी जो है ना मैं फटाफट से यहां पे फ्यूल वगैरह फार्म करता हूं। भाई अभी आना था होरन बजाने के लिए, वॉइस ओवर करते टाइम पे पैं 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 पैं। तो चलो गाइस कोई नहीं। एंड देखो गाइस यहाँ पे बंदा जो है ना ये मास्क वगैरह ढूंढने आया था एंड मास्क तो नहीं मिला, बंदा जो है ना डायरेक्ट ऑफलाइन। बढ़िया सीन है। तो कोई नहीं अपन को मास्क मिल जाएगा, कभी भी मिले बट कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग अभी तो नहीं छोड़ेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं फ्यूल वगैरह फार्म करके आ चुका हूँ। काफी अच्छी अमाउंट में हम लोगों ने फ्यूल वगैरह फार्म कर लिया है एंड चलो फटाफट से अपने बेस में चलते हैं, थोड़ा सा फर्नेस बनाएंगे एंड जितना भी अपने पास मटेरियल है वो हम लोग फर्नेस में मेल्ट करने के लिए रख देंगे और हम लोग निकलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रोड फार्म करने के लिए, क्योंकि अपने को चाहिए स्पीयर। बट उससे पहले मेरे को ग्रीन कार्ड भी चाहिए। बट यार आज जो है ना अपनी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि लगभग 3-4 घंटे हो चुके थे अपने को ग्रीन कार्ड नहीं, कहीं भी नहीं मिला। इवन मैं काफी बार तो जो है ना गैस स्टेशन गया बट कहीं पे भी जो है ना गाइस अपने को ग्रीन कार्ड नहीं मिला। लगता है यार बंदे काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, ग्रीन कार्ड देने को तैयार नहीं है। तो ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने अपना स्लीपिंग बैग लगा लिया। एक एक्स्ट्रा डोर जो है ना मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने कवर के लिए। तो अपना टीसी जो है ना मैं यहाँ पे लगता हूँ, ठीक है टीसी आ चुका है। ओके लेट्स गो गाइस, अभी अपन लोग निकलते हैं। पहले फर्नेस लगाऊं यहाँ पे मैं। तो लगभग अभी मैंने 3 फर्नेस लगाया क्योंकि 3 फर्नेस मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। एक में हम लोग डालेंगे चारकोल मेल्ट करने के लिए, एक में डालेंगे हम सल्फर मेल्ट करने के लिए, एक में डालेंगे हम लोग आयरन मेल्ट करने के लिए। तो अपना जीपी एंड एमो को जुगाड़ तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। एंड अभी जो है ना गाइस हम लोग फटाफट से जितना अपने में सामान था वो स्प्लिट करके तरीके से हम लोग सारा का सारा फर्नेस में डाल देंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं। तो फाइनली यार यहाँ पे अपना जो फर्नेस है वो लगभग सारा का सारा चल चुका है एंड अभी जितना भी अपने पे क्रूड ऑयल है और इन्फर्नल फ्यूल है जो है ना वो हम लोग अपने कैबिनेट में डालेंगे। लगभग मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। तो चलिए गाइस अभी जो है ना हम लोग निकलते हैं, बट SMG लेके नहीं जाऊंगा यार, अभी हम लोग जाएंगे सिर्फ मचेट और चकवा लेके। वैसे शॉटगन भी है मेरे पास जो कि मेरे को बॉट को मार के मिली थी, वो तो अभी लेके नहीं जाऊंगा। वैसे लेके चलते हैं शॉटगन, तो एटलीस्ट एक गन तो होना चाहिए अपने पास। ड्राफ्टिंग टेबल मिला मेरे को फ्री का, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। लगता है इसके लिए आयरन चाहिए, बट मेरी कैबिनेट में तो आयरन है ही नहीं। तो मैं ऐसे करता हूँ फर्नेस में देखता हूँ, उससे थोड़ा सा आयरन निकालूंगा एंड आयरन जो है ना हम लोग अपने टीसी में डाल देंगे। तो ओके गाइज यहाँ पे आयरन का जुगाड़ तो हो गया है। तो चलो यार अभी अपन लोग चलते हैं फटाफट से बाहर एंड देखते हैं। मैं यहाँ पे सर्वाइवल गाइड में देखने लगा था क्या क्या है। ओके गाइज यहाँ पे जो है ना मैंने वो क्लेम कर लिया है, पेसमेकर। मैं कभी क्लेम नहीं करता बट आज जो है ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, चलो मैंने कहा पेसमेकर क्लेम कर लेते हैं। भाई आई थिंक गेम पे जो है ना SMG गाइस बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है एज कंपेयर टू पहले के मुकाबले। पहले तो यार SMG जो है ना आपको इजीली मिल जाता था एंड अभी जो है यार वो एमो चेस्ट कौन सा टूटा हुआ, वो यार लिटरली कचरा देता है कचरा।
वो कैसे बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को आगे दिखेगा जब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को ओपन करता था। भाई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि गेम वालों को जो है ना एटलीस्ट एक एसएमजी तो देना चाहिए, कम से कम 5 लेवल में या फिर 6 लेवल में। अगर ये हो गया ना गाइस तो काफी ज्यादा मजा आएगा, एंड कोई भी बंदा जो है ना सर्वर छोड़ के जाने का नहीं है। एंड देखो एक और बॉट, ये क्या देगा भाई, ये बॉट मेरे को कुछ नहीं दिया। मैं तो सोच रहा था आज जो है ना बॉट ही अपने को सब चीज दे देगा, बट यहाँ पे ये बॉट तो अपने को कुछ नहीं दिया। अभी जो है ना गाइस अपन लोग यहाँ पे से चलते हैं। सो मैं यहाँ पे स्पेयर वगैरह फार्म कर रहा था तो मुझे एक बंदा दिखा जो कि डंडे से मार रहा था, बट जैसे ही मैंने उसको एक क्रॉसबो मारा तो वो काफी ज्यादा साइलेंट हो गया। मुझे लग रहा था गाइस वो समझ गया था यहाँ पे से बचना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, बट इससे तो अपने को कुछ खास नहीं मिला। एंड मेरा वाटर लेवल भी काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो मैं फटाफट से वहां पे पानी पिया एंड स्पेयर फार्म करते करते गाइस मैं गैराज के पास में आया, क्योंकि गैराज में भी अपने को ग्रीन कार्ड मिलता है। सो यहाँ पे तो गाइस अपने को कार्ड वगैरह नहीं मिला, बट मैंने डिसाइड करा जितने भी अपने पास कंपोनेंट्स हैं वो सारे का सारा हम लोग जो है ना डिसमेंटल कर लेते हैं। भाई एक एक करके सबसे पहले तो मैंने अपने के लिए क्लॉथ डिसमेंटल करा क्योंकि क्लॉथ अपने को चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अपने के सारे कंपोनेंट डिसमेंटल मारे एंड फिर जो है ना अपन लोग निकल गए थे यहाँ पे स्पेयर फार्म करते करते गैस स्टेशन, क्योंकि ग्रीन कार्ड चाहिए। तो भाई यहाँ पे गैस स्टेशन तो नहीं पहुंचा, पर गलती से मैं न्यूक्लियर पहुंच गया। एंड यहाँ पे देखो बंदा चकवा लेकर मेरे को मारने के लिए आ रहा है, रुक जा बेटे तेरे को मारूंगा। मचेट है गाइस, अगर एक मचेट लगा ना मैं खत्म। अभी भी नहीं, बंदे के पास पूरा का पूरा बोन का आर्मर है। बोन का आर्मर भाई इस लोंडे को कहां से मिल गया, अभी तक मेरे पास हाइट का है। लगता है बंदा काफी मेहनत कर रहा है, अब छुपने लगा भाई, अब तो एक एरो में लगेगा ना खत्म है। अभी भी नहीं मरा भाई, कितनी हेल्थ है इसकी, भाई काफी ज्यादा हेल्थ है। ले बेटे खा, अब तो फट गया, अब फट गया ये, फट गया। ओके गाइस फाइनली अपन लोगों ने इसको मार दिया है। भाई मचेट से भी कितने चकुए खाएगा भाई, इसका जो है ना बोन का आर्मर, लिटरली गाइस बोन का आर्मर नहीं गिरा बट मचेट गिर गई। तो ठीक है मचेट उठाते हैं और निकलते हैं। तो उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से ट्रेड जोन में, क्योंकि अपनी को जितना भी स्पेयर वगैरह फार्म करा कुछ कंपोनेंट थे वो डिसमेंटल मारने थे। वैसे अगर मैं न्यूक्लियर वगैरह में जाता तो यार मैं डेफिनेटली मर जाता क्योंकि अपने पास लेवल 2 का मास्क नहीं था। तो इसलिए जो है ना गाइस मैंने डिसाइड करा कि अपन लोग कंपोनेंट जो है ना अपने यहाँ पे ट्रेड जोन में डिसमेंटल कर लेते, क्योंकि यार अब स्पेयर इतना नहीं मिलता जितना पहले था। रूम से भी गाइस ग्रीन रूम से भी काफी अच्छे कंपोनेंट्स मिलते थे, 100-150 स्पेयर का सामान तो इजीली मिल जाता था, एंड अभी जो है ना वो भी नहीं मिल रहा। सो रोड फार्म करते करते जितने भी कंपोनेंट्स मिलते हैं सारे के सारे मैं जो है ना डिसमेंटल मार रहा हूँ। एंड अभी अपन लोग यहाँ पे से निकलते हैं, देखते हैं गाइस क्या करना पड़ेगा। ग्रीन एंड ग्रीन कार्ड तो यार मेरे को मिला ही नहीं, अब कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। बट फिर मैंने डिसाइड करा चलो यार अपने बेस चलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा आयरन सल्फर स्टोन वगैरह फार्म करना था क्योंकि आज जो है ना गाइस मुझे कहीं जाना है, तो डेफिनेटली रेड टाइम पे मैं एक्टिव नहीं रह पाऊंगा। तो मुझे जो है कम से कम अपने बेस को आयरन करके तो जाना ही होगा। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं आयरन स्टोन सल्फर वगैरह फार्म कर रहा था तो मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखा जो कि मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने कहा रुक जा बेटे तेरे पास डंडा है तो मेरे पास भी धनुष बाण है, धनुष बाण सीधा घुसाऊंगा ना पिछवाड़े में तब पता चलेगा। रुक जा बेटे, दिखा चेहरा, दिखा दिखा, ले बेटे खा फटका, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो ओके गाइस यहाँ पे इसको मारने के बाद फिर मैं अपना स्पेयर वगैरह फार्म वगैरह करते करते जा रहा था, तो एक बंदा जो है ना मेरे बेस के बगल में अपना बेस बना रहा था। भाई मेरे बेस के बगल में अपना बेस कैसे, तो मैंने उसको धनुष बाण से मारा। और फिर जो है ना गाइस मैं फाइनली अपने बेस में आ चुका था, फटाफट से मैंने अपना वर्क बेंच जो है ना उसे मीट करने के लिए रखा। एंड अभी जो है फटाफट से हम लोग जो है ना अपना एसएमजी लर्न करते हैं। भाई काफी ज्यादा मुश्किलात आई बट हो ही गया, देखते हैं गाइस अभी कैसा रहता है ये सर्वर। तो मैं फटाफट से गाइस यहाँ पे चारकोल वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि अपने को जो है ना जीपी बनाना है। जीपी बनाने के बाद हम लोग अपने के लिए एमओ वगैरह बनाएंगे और फिर जो है ना गाइस हम लोग थोड़ा सा रूम के साइड जाएंगे, क्या पता अपने को बकरा मिल जाए, बकरे को मारने से क्या पता अपने को कार्ड मिल जाए, वो तो देखना पड़ेगा गाइस मिलता है या नहीं मिलता। तो फटाफट से अपन लोग एसएमजी लर्न करते हैं एंड एसएमजी बनाने के बाद निकलते हैं।
तो गाइज यहाँ पे अपना SMG का रेसिपी जो है ना ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुका है और मैंने जो है लगभग एक SMG अपने के लिए बना भी दिया है। और चलो गाइज अभी जो है ना हम लोग फटाफट से निकलते हैं। तो यहाँ पे रोड फार्म करते करते गाइज मैं यहाँ पे से जा ही रहा था एंड मैं पहुंच गया गैस स्टेशन, क्योंकि अपने को ग्रीन कार्ड चाहिए। अभी तक गाइज ग्रीन कार्ड मिला नहीं एंड यहाँ पे तीन बंदे ऑलरेडी गैस स्टेशन लूट रहे हैं। मैंने कहा रुक जा, एक बंदा गया उसके पास कुछ नहीं था, दूसरा बंदे के पास पिस्टल था। ये गाइज इस बंदे ने दिमाग का खेल करा, एटलीस्ट अपने साथ पिस्टल लेके तो आया है, कम से कम फाइट तो देगा। बट कुछ बंदे तो गाइज ऐसे होते हैं नेकेड आते हैं, पता नहीं क्या सोच के। यार नेकेड आने से तो बढ़िया है आप कुछ ना कुछ वेपन्स तो लेके आओ, इवन मचेट हो। मचेट तो गाइज वेपन्स में लेऊंगा नहीं मैं, इवन आपके पास क्रॉसबो हो पिस्टल हो कुछ ना कुछ तो गाइज आप लेके आओ। तो यहाँ पे अपने को ग्रीन कार्ड तो नहीं मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड करा यहाँ पे एक भालू होता है, वहां जाके देख के आते कि भालू की केव में अपने को कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मुझे लग रहा है भालू की केव में भी नहीं मिलेगा क्योंकि बंदे काफी ज्यादा साथी हो चुके हैं। ओके सो हाँ यार मैंने बोला था ना भालू की केव से भी नहीं मिलेगा। ये भालू कर क्या रहा है यहाँ पे, मतलब यार मारना चाहिए था तेरे को, तू चुपचाप से यहाँ पे बैठा हुआ है, तेरा कार्ड लेके भाग गया वो, ऐसे कैसे चलेगा। तो यार मैंने भालू को उड़ा दिया। बट अभी भालू ने अपनी हेल्थ वगैरह काफी कम करा है तो अभी जो है ना अपने को हिलअप करना पड़ेगा, फिर जो है ना गाइस अपन लोग निकलते हैं। तो उसके बाद गाइस फाइनली मैं पहुंचा बॉम्ब शेल्टर। अब यार मास्क की उम्मीद तो मेरे को यहीं से थी एंड देखते हैं यहां से अपने को मास्क मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मेरे को रिपोर्ट में काफी बंदों के नाम आ रहे थे तो मुझे लगा डेफिनेटली बंदा जो है ना कैंप वगैरह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉम्ब शेल्टर में काफी बंदे कैंप करते हैं। सो यहाँ पे अपना थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था कि मे बी बंदे कैंप कर सकते हैं, मे बी नहीं कर रहे हो। एंड जैसे ही मैं अंजल पहुंचा तो मुझे जो है ना गाइस जो चीज चाहिए था एंड वो फाइनली यहाँ पे मिल चुका था, लेवल 2 का रेडिएशन मास्क। मैंने फटाफट से उठाया एंड उसके बाद मैं निकला जल्द से जल्द न्यूक्लियर के साइड, क्योंकि मैंने डिसाइड करा चलो यार अपने को मास्क वगैरह नहीं मिला तो मैं ऐसे करता हूँ ना, एक पर्पल कार्ड तो बाय कर ही लेता हूँ, क्योंकि अपने पास कार्ड नहीं है तो यार अपन लोग मेन टाइम पे पर्पल कार्ड भी नहीं निकाल पाएंगे। सो उसके लिए मेरे को चाहिए एक एटलीस्ट एक पर्पल कार्ड, जिसको मैं कम से कम कल तो कर ही दूंगा 10 बजे के करीब। तो चलो गाइज यहाँ पे से हम लोग निकल चुके हैं एंड यहाँ पे आया मैं ट्रेड जोन के साइड में। मैंने डिसाइड करा चलो इसको मार तो क्या पता अपने को ये कंपोनेंट दे दे काफी गजब के, बट ये कचरा दिया अपने को, मतलब 30 स्पीयर। भाई 30 स्पीयर से ज्यादा तो तेरे को सामान लग गया मारने में, भाई दया तो कर देता गरीब में कुछ, बट यार ये गेम वाले खुश दया नहीं करेंगे। उसके बाद गाइस फाइनली मैं यहाँ पे पहुंचा एंड जैसे मैं न्यूक्लियर के अंदर जा रहा था तो मुझे एक फुटस्टेप्स आए एंड बाद में देखो तो भाई ये चाइनीज था। भाई चाइनीज के पास गन नहीं था, अगर गन रहता ना गाइस डेफिनेटली वो अपने को मार देता, क्योंकि वो अपने पीछे से आ रहा था। फिर उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे देखा न्यूक्लियर पूरा घूमा बट न्यूक्लियर में अपने को कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा भाई अपनी किस्मत ही खराब। तो फिर क्या था गाइज वहां पे से मैं दोबारा से आया ट्रेड जोन में, क्योंकि अपने को थोड़े से स्पेयर चाहिए थे तो मैंने यहाँ पे बैग लगाया सेल्फ करा। 150 के करीब स्पेयर जो थे वो मेरे बेस में थे एंड थोड़े से स्पेयर जो है ना मेरे पास थे, तो लगभग अपने को 8-9 स्पेयर चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा, एक मेरे पास गियर था तो मैंने गियर को डिसमेंटल करा एंड अभी जो है ना 4 स्पेयर की कमी थी तो मेरे पास ब्लेड्स थे। एक ब्लेड को डिसमेंटल करने से 2 स्पेयर मिलता है तो लगभग 8 ब्लेड्स मेरे पास थी। तो मैंने कहा यार अपना पर्पल कार्ड तो इजीली बाइक कर लेंगे। तो चलो गाइज अपने पास इतना स्पेयर तो हो चुका है कि फाइनली अपन लोग जो है ना अब पर्पल कार्ड बाय कर लेते हैं अपने के लिए। ये वेंडिंग, यार मैंने अभी तक कभी पर्पल कार्ड बाय नहीं किया रहा ना, मुझे पता नहीं यार वेंडिंग कौन सा है। ओके गाइज ये रहा, तो मैंने अब इसे फटाफट से बाय कर लिया है। तो चलो गाइज और तो कुछ बाय करने के लिए है नहीं, बंदों ने यार ग्रीन एंड ब्लू कार्ड पहले ही बाय कर लिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे समय जा ही रहा था और यहाँ पे देखो मुझे एक बंदा दिखा रोड फार्म करते हुए निकल रहा था अपने आगे से। मैंने कहा भाई मेरे जगह में जहाँ पे मैं रोड फार्म कर रहा हूँ वहां पे तू रोड फार्म करेगा ऐसे। मैंने कहा रुक जा भाई तेरे को मारता हूँ, बट इसको मारने से गाइज अपना प्रॉफिट तो हुआ, मुझे वो पासवर्ड वाले रूम के बार कोड्स मिल गए थे। भाई ये भाग रहा है, आई थिंक देख लिया वो बंदा, नहीं अभी नहीं देखा, अब समझा वो बंदा पीछे से आ रहा है, बट उसके समझने से पहले हमने उसको ही समझा दिया कि अभी तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। तो चलो गाइस यहाँ पे मेरे को एक हैमर मिला, तो हैमर लेके कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे से मैं स्पेयर फार्म करते करते सीधा पहुंचा
न्यूक्लियर, क्योंकि मुझे लग रहा था न्यूक्लियर का जो बाट हुआ है ना वो अभी बंदों ने नहीं खोला है। सो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जो है ना लगभग दो बंदे दिखे अपने को, बट ये भी यार डंडे से, मैं भी तेरे को फिनिश तो डंडे से ही करूंगा। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने डंडे से मारा उसको, डंडे से फिनिश करा, एंड आगे जो है ना काफी ज्यादा बंदों के नाम शो हो रहे हैं, एंड एक बंदा जो शॉटगन चला रहा था गाइज उसका भी नाम यहाँ पे शो हो रहा था। तो मुझे लग रहा था डेफिनेटली गन की आवाज सुन के वो यहाँ पे आएगा, एंड देखना पड़ेगा गाइज आता या नहीं आता। बट अपन लोग थोड़ा सा स्पेयर फार्म करते करते चलते हैं, एंड यहाँ पे मैंने डिसाइड करा अपने पास वुड वगैरह भी है, न्यूक्लियर में दोनों रूम है, तीनों रूम है, तो न्यूक्लियर में अपन लोग अपना छोटा सा 2x2 का वन बाई टू का बेस तो बना ही लेते हैं, रूम वगैरह करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो वही सोच के गाइज मैंने डिसाइड करा यहाँ पे जो है ना अपन लोग अपना बेस बनाते हैं। तो गाइज न्यूक्लियर जो है ना अपनी सबसे फेवरेट जगह है, बट यार आज जो है ना एक काफी ज्यादा गलत सीन हुआ है। मतलब इतनी ट्रिक्स गाइज हम लोगों ने आप लोगों को बता दी है, एंड अब जो है ना गाइज अपन को लूट नहीं मिलता। अब मैं सोच रहा हूं यार अब जो है ना अपन लोग अपनी ट्रिक्स वगैरह किसी को भी ना बताऊं, आपको क्या लगता है? बट कोई नहीं गाइज, जितनी भी मेरे को ट्रिक्स वगैरह पता चलेगी डेफिनेटली मैं आप लोगों को 101% बताऊंगा। एंड यहाँ पे मैंने अपना बेस वगैरह बना लिया, कुछ स्पीयर्स है, सो सारे का सारा जो है ना मैं कैबिनेट में डाल देता हूं। तो गाइज यहां पे से निकलते हैं पासवर्ड वाले रूम के तरफ। तो यहां पे से जैसे ही मैं पासवर्ड वाले रूम के तरफ जा ही रहा था, एंड मेरे को आगे की तरफ काफी बंदे दिखे, मैंने कहा भाई बंदे किल, थोड़ा सा लूट, चलो मार के आते हैं। भाई जब उन बंदों के पीछे गया ना, वो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं लगभग चार पांच बंदे थे जो कि आप सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा भाई गजब ही सीन है, और देखो वो रहा बंदा आगे के साइड भाग रहा है, चलो चलता हूं मैं भी इनको बजाने के लिए। भाग किधर रहा है, रुक जा, वो उधर गया ना, उधर से भी बंदे दिखे, देखो गाइस अभी किधर भागेगा। अब बंदा जो है ना इधर भागने लगा था, बट उसको गोलियां लगी, मैंने नॉक किया, एक बंदा नॉक किया, दो बंदे भाग गए। एंड उन बंदों को गाइस मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा उन बंदों को बाद में ढूंढूंगा, सबसे पहले तो इनको फिनिश करूं। एंड वही जो है ना गाइस अपन लोगों की थोड़ी सी गलती थी, अगर मैं इनको फिनिश करने के चक्कर में नहीं रहता, डायरेक्ट जो है ना गाइस मैं उन बंदों के पीछे भागता तो डेफिनेटली वो हाथ में आ ही जाता, बट कोई नहीं गाइस। एंड उसके बाद जो है ना मैंने डिसाइड करा थोड़ा सा आगे जाता हूँ, बट वो बंदे तो अपने को दिखे नहीं, वो कोई पासवर्ड वाले रूम को ट्राई कर रहा है। मुझे लग रहा है पासवर्ड वाले रूम जो है ना बंदा ट्राई कर रहा है, रिपोर्ट में नाम चेकआउट करता हूँ। ओके, तो हाँ गाइस जो थाई मैन है ना वो पासवर्ड वाले रूम को चेक कर रहा है, गलत पासवर्ड डाल के देख रहा है, बट कोई नहीं अपन लोग चलते हैं उसको बजा के आएंगे। तो ओके गाइस यहाँ पे मैं जा ही रहा था, तो एक बंदा जो है ना न्यूक्लियर की तरफ से आ रहा था बाहर की साइड, वो भी शॉटगन लेके, मेरे पास एसएमजी था, मेरी तो फटके चार हुई थी, कहीं वो बंदा मेरे को मार रहे थे, क्योंकि शॉटगन का एक फटका लगे ना तो तुम्हारी कहानी खत्म। बट यार यहाँ पे जो है ना काफी गलत सीन हुआ उस बंदे के साथ, वो शॉटगन का फटका मारने से पहले ही जो है ना मैंने उसको नॉक किया, फिनिश भी कर दिया। एंड अभी जैसी गाइस मैं यहाँ पे इसका लूट उठा रहा था, उस बंदे का लगता है बेस यहीं पे था, वो बंदा दोबारे से आया, इस बार भी जो है ना गाइस वो दो शॉटगन लेके आया। देखो गाइज उसके साथ क्या ही गजब का सीन होने वाला है। बट यार मेरे को लेवल 2 का रेडिएशन मास्क मिल चुका है, अब अपनी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी अंडरग्राउंड जाने में। तो मैंने फटाफट से गाइज यहाँ पे मास्क वगैरह इक्विप किया, फटाफट से अपना हेल्थ वगैरह इंक्रीज करा, सो जैसे ही अपना हेल्थ लगभग फुल होने वाला था वो बंदा जो है ना सेम बंदा दोबारे से यहाँ पे आया। एंड देखो गाइज दोबारे से उसको हम लोग किस तरीके से बचाते हैं। ओके आया, गया, आया और सीधा गया। तो चलो गाइस अभी जो है ना अंदर चलें। ठीक है मैं यहां पे अंदर आ चुका हूं, अगर एक नंबर चाहिए होगा तो गाइस अपना काम इजीली बन जाएगा, अगर दो नंबर चाहिए होंगे तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, अगर एक भी मिल गया ना तो मैं देखता हूं कौन कौन से नंबर अपने को चाहिए। ओके गाइस यहां पे जो है ना लगभग एक पांच नंबर चाहिए और एक नोन दसवां नंबर चाहिए, तो चलता हूं मैं थोड़ा सा रोड वगैरह फार्म करने के लिए, पांचवा नंबर या फिर दसवां नंबर ढूंढूंगा, अगर मिल जाएगा तो आके फटाफट से हम ये डोर ओपन कर लेंगे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग फटाफट से यहाँ पे से बाहर निकलते हैं। भाई मेरे को फुटस्टेप से आ रहे हैं, कहीं बंदा ऊपर कैंप ना कर रहा हो अपना, भाई थोड़ा सा डर तो लग रहा है,
क्योंकि बंदे जो है ना गाइस कैंप काफी ज्यादा करते हैं ग्लोबल रैंक सर्वर में। चलो शॉटगन मैंने अपने हाथ में रखा क्योंकि पता है अगर शॉटगन एक फटका लगा ना बंदा नॉक नहीं सीधा उठेगा। चलो यार अब टाइम आ चुका है यहां पर से निकलने का। भाई जंप कर करके जा रहा हूं बंदे को एटलीस्ट फुट स्टेप्स ना आए अपने। ठीक है चलो गाइस लेट्स गो। तो यार यहां पे मैं ऊपर तो पहुंच चुका हूं बट यहां पे मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखा क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड मैं तो निकलता हूं यहां पे सीधा अपने बेस में। एंड जितना भी गाइस अपने पास लूट वगैरह है ना वो हम लोग सारा का सारा सेव करेंगे। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।